करनाल जिला कांग्रेस के युवा नेता इंद्रजीत सिंह विर्क के निवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन के निर्देशानुसार बेरोजगारों का डाटा इकट्ठा करने की बात कही गई। इस अवसर पर सरदार इंद्रजीत सिंह विर्क ने बताया कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब सत्ता में आई तो बेरोजगारों को कई प्रकार के लुभावने वादे दिखाए थे, परंतु इस सरकार में करोड़ों युवा बेरोजगार हुए हैं, जिनका युवा कांग्रेसी डाटा इकट्ठा कर नरेंद्र मोदी को भेजने का कार्य करेगी। उन्होंने बताया कि बेरोजगारी की वजह से यहां किसान आत्महत्या कर रहा था, वहां अब युवा भी आत्महत्या कर रहे हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए युवा कांग्रेस द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, जिस पर बेरोजगार युवाओं का डाटा इकट्ठा किया जाएगा और युवा कांग्रेस के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी की सरकार को सौंपा जाएगा, ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाए जा सके। इस अवसर पर जिला युवा कांग्रेस के सक्रिय नेता मौजूद रहे। देखिए एक रिपोर्ट। हर असेंबली में हमारे कैडर तैयार हैं, असेंबली प्रेसिडेंट, असेंबली वाइस प्रेसिडेंट, असेंबली सेक्रेटरीज हैं, ये असेंबली वाइज उनको टीमें बनाकर उनकी ड्यूटी सौंपे जाएंगे। भी ऑलमोस्ट हर गांव में, करनाल जिले के कितने भी गांव हैं, गांव में जाके जो शहर में हमारे विधानसभा उनके सेक्रेटरी हैं, उनके वार्ड वाइज जाए, कितने भी युवा बेरोजगार हैं उनको टोल फ्री नंबर पे मिस कॉल कराने का काम करें, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वो नंबर फ्लैश आउट करने का काम करेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया में वायरल करने का काम करें। भी मैक्सिमम ऑन द रिकॉर्ड हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज 6 महीने के अंदर हमारे करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे कितने भी युवा बेरोजगार हैं उनका एक डाटा कलेक्शन करने का काम करेंगे। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन जी की अगुवाई में ऑल इंडिया के अंदर हर एक जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आज हमने NRU का प्रोग्राम लॉन्च किया है। NRU का मतलब नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो बेरोजगारी देश के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, 2014 के अंदर जिस टाइम नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने एक वायदा किया था, भाजपा सरकार ने वायदा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां युवाओं को देंगे, और आज जब हम कहीं नुक्कड़ पे जाते हैं, किसी वार्ड में जाते हैं या किसी ब्लॉक में जाते हैं, जब बेरोजगार युवाओं से मिलते हैं तो मन बड़ा दुखी होता है। इस चीज़ को लेते हुए श्रीनिवासन जी जो युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने हर एक जिले में, ब्लॉक में, गांव स्तर पर, वार्ड स्तर पर युवाओं की ड्यूटी लगाई है कि हर जगह जाकर भाई जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनसे मिले, और एक टोल फ्री नंबर हमारा NRU का लॉन्च किया है, उससे हम टोल फ्री नंबर पर बेरोजगार युवा का कॉल करवाएंगे और उसका डाटा 6 महीने का हमारे पास टाइम है, 6 महीने में डाटा इकट्ठा करके जो ये गूंगी बहरी भाजपा की सरकार है नरेंद्र मोदी जी को, जबकि ये काम रूलिंग पार्टी का होता है, भाजपा सरकार का होता है जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार दिलवाने का, पर ये काम विपक्ष होने के नाते कांग्रेस पार्टी घर घर जाकर बेरोजगार युवाओं से मिलेगी और उनका कॉल करवाने का काम करेगी, और ये डाटा इकट्ठा करके 6 महीने में नरेंद्र मोदी जी से मिलकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन जी देने का काम करेंगे। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज, राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।